गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो में संकलित भोर और बरखा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता की कवित्री मीराबाई जी हैं। इस कविता में उन्होंने माता यशोदा द्वारा किस तरह से बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। अंतिम पैराग्राफ में मीराबाई जी ने सावन के महीने के उमड़ते घुमड़ते बादलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, पंक्तियां हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के चनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में माता यशोदा श्री कृष्ण को प्रातःकाल के समय प्यार से जगाते हुए कहती है कि हे मेरे बंसी वाले पुत्र श्री कृष्ण, जाग जाओ। रजनी बीती यानी रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। गोपियां दही मथ रही हैं और उनके कंगनों के झनकारे सुनाई दे रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्र सुबह हो गई है और तुम उठ जाओ। सुर नर ठाड़े द्वारे और हमारे दरवाजे पर देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन करने के लिए खड़े हैं। गवाल बाल सब करत कुलाहल, गवालों के बच्चे शोर करते हुए तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवाले, गायों के रखवालों ने मक्खन और रोटी हाथ में ले ली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए को तारे। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और चतुर हैं, शरण आए को तारे, और जो उनकी शरण में आता है वे उनका कल्याण करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिसी से आया, दामिनी दमकई झरलावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मह बरसा, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गान की। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री ने सावन के महीने के उमड़ते घुमड़ते बादलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो कवित्री क्या कह रही है बच्चों? कवित्री कहती है बरसे बदरिया सावन की, कि सावन के महीने के बादल आसमान में घिर गए हैं और ये बरसते हुए बादल मन को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सावन में उमंगो मेरो मनवा, कि सावन के महीने में मेरा मन भी बहुत प्रसन्न हो गया है। भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु के आने की हल्की सी झलक दिखाई पड़ रही है। उमड़ घुमड़ चहुदिसी से आया, इसमें अब कवित्री क्या कह रही है कि उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आने वाले बादल आसमान में घिर गए हैं। दामिन दमकई बिजली चमकने लगी हैं, झर लावन की और वर्षा की झड़ी सी लग गई है। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, बादलों से छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी हैं। शीतल पवन सुहावन की और शीतल हवा ठंडी हवा मन को बड़ी ही सुहानी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गान की। तो ऐसे में मीराबाई जी कहती है कि मेरे प्रभु तो चतुर हैं और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, आनंद मंगल गान की, और इसलिए वह उनके आने की खुशी में मंगल गीत गा रही है।